Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Our student's solution of exercise 1A, RS Agrawal class 7. अब इसमें स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एवेल्यूट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है 15 प्लस माइनस 8। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। फिर इसका देखिए सेकंड क्या है, ये है माइनस 16, ये देखिए ब्रैकेट में है माइनस 16 प्लस 9, तो ब्रैकेट के बाहर आ गई, माइनस 16 प्लस 9 होगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16 में से 9 है, इनका हम डिफरेंस लिख लेंगे, जो भी आएगा 7 आएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें बड़ा नंबर 16 जो है, जो बड़ा मतलब लार्जर नंबर है, उसका जो साइन है उसमें हम लगा देते तो ये माइनस 7 आ जाएगा। जब दो नंबर डिफरेंट साइन के हों तो जो लार्जर नंबर होगा उसका साइन हम इसमें लगाएंगे। अब स्टूडेंट इसी का थर्ड है, देखिए ये दोनों नंबर सेम साइन की है, ये माइनस 7 और माइनस प्लस माइनस 23। तो जब दोनों का साइन सेम होता है तो हम इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, और जो इनका सेम साइन होता है उसको हम इसमें लिख देते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट इसी तरीके से ये हमें करने हैं, तो ये हमने आपको 3 इसके बता दिए, बाकी आप इसके डू इट सेल्फ। फिर इसके बाद सेकंड है फाइंड द सम ऑफ। अब स्टूडेंट्स हमें 153 एंड माइनस 302 इसका सम करना है हमें। तो देखिए इसमें हमें अच्छे से पता है कि इन दोनों के साइन जो है डिफरेंट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसका हम डिफरेंस जो है वो निकाल लेंगे। और इसके बाद जो लार्जर नंबर है उसका साइन हम यूज़ कर देंगे, तो हम देखिए लार्जर नंबर माइनस 302 है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, और 302 में से 153 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये देखिए 12 हो जाएगा। तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 तो ये आ गया 149। तो इसका आंसर आएगा माइनस 149। इस तरीके से हमें करना है इसको। अब इसके बाद देखिए इसका ये फर्स्ट था, इसका सेकंड है ये 1005 एंड माइनस 277। तब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट हमें करना है, तो अब लार्जर नंबर कौन है, लार्जर नंबर प्लस का है, तो इसलिए हम प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ 1005 में से 277 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, यहाँ 9 में से 7 तो 2 आएगा, यहाँ भी 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ 7 आएगा, तो ये आ जाएगा 728। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को हमें करना है। अब इसके बाद हम इसका थर्ड लेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स निकालना आसान है। अब इसमें ये कह रहा है थर्ड वाले में कि फाइंड दी, देखिए फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो एडिटिव इनवर्स हमें किसी का भी निकालना हो, माइनस 83 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा प्लस 83, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर जीरो आना चाहिए, तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 83 इज प्लस 83। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, फिर सेम के एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इज माइनस 256। और स्टूडेंट जीरो का एडिटिव इनवर्स स्वयं जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो में हम जीरो ऐड करेंगे या जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही आएगा। फिर ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 2001 इज, ये आ जाएगा प्लस 2001। तो एडिटिव इनवर्स इस तरीके से हमें फाइंड करना है। अब स्टूडेंट इसमें देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें 4 क्वेश्चन में ये करना है हमें
देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, तो जो क्वेश्चन नंबर फोर है ये कह रहा सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। इसका मतलब ये है कि -42 में से हमें 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान से देख लीजिए, तो देखिए ये है कि सब्ट्रैक्ट, पूरा यहाँ से पढ़िए, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, तो -42 में से हमें 28 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन यूज होता है, तो ये आ गया हमारा। तो अब ये हो जाएगा -42 -28। अब स्टूडेंट दोनों सेम साइन के हैं, इसलिए ऐड करके जो इनका साइन है वो हम लिख देंगे। तो 8 और 2 ये हो गया, तो ये आ गया 70 आ गया आपका। तो ये इसका फर्स्ट था। इसका सेकंड क्या है, -36, यानी सब्ट्रैक्ट -36 फ्रॉम 42। तो 42 में से हमें माइनस के 36 सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 42 प्लस 36, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगी या ये दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 78। ये इस तरीके से आपका आ गया। अब स्टूडेंट इसका थर्ड है, इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट -37 फ्रॉम -53। तो -53 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -37, तो -53 प्लस 37। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि देखिए लार्जर नंबर माइनस का है और स्मॉलर नंबर प्लस का है, तो इसलिए यहाँ पर जो साइन आएगा वो लार्जर नंबर का साइन आएगा। अब इन दोनों को इसमें से 53 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन हम पहले लिख चुके हैं। तो 13 में से 7 जाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, 4 में से 3 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का 16 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हमें करना था। अब बाकी इसके आप करिए। अब देखिए इसका ये जो क्वेश्चन है, ये 5 वाला क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लिखा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -10, -32 एंड 878। तो पहले हमें इसका सम निकालना है, सम निकालना है हमें -10, -32 प्लस 878। पहले इसका हम सम करेंगे। तो देखिए दोनों नंबर जो है वो डिफरेंट साइन के हैं, तो लार्जर नंबर का साइन ही आ जाएगा। अब 1032 में से हम 878 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए 1032 और 878 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 12 में से 8 गई, 4 आ गई, यहाँ पे 12 में 7 गए 5, और यहाँ पर तो ये आ जाएगा 154। तो ये आ गया 100। तो इन दोनों नंबर का जो सम है वो ये है। अब इसमें स्टूडेंट कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -32। अब -34 में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है -154 को, तो ये आएगा -34 प्लस 154। अब स्टूडेंट लार्जर नंबर प्लस का, तो ये प्लस में आ जाएगा, 154 में से 34 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आएगा 120। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अब इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए कह रहा सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ, तो सबसे पहले हम सम करेंगे स्टूडेंट्स। तो सम जो हमें निकालना है वो निकालेंगे 38 और -87। तो अब लार्जर नंबर माइनस का, इसलिए माइनस आ जाएगा। अब 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ 9 आ जाएंगे और ये आएगा 39। ओ सॉरी, 7 में से 4 49, तो ये आ गया आपका 49। अब फिर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कह रहा सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ। तो फ्रॉम द सम ऑफ यानी ये जो सम आया था, इस सम में से हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं
माइनस 134। तो इसको रीड केयरफुली एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन, देखिए, सब्ट्रैक्ट माइनस 134 फ्रॉम द सम ऑफ, तो सबसे पहले स्टूडेंट इन दो नंबर का हमने सम फाइंड किया, तो ये हमारा सम हो गया। फिर वो कह रहा कि इस माइनस 134 को इसके सम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 49 प्लस 134, तो अब लार्जर नंबर प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का आएगा, तो 134 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 85। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है।